हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं आज कल अपन ने कहा क्या देखा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी। तो एक बार पहले उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने कल की क्लास में भी लिए थे और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस और हैं वो मैं आज की क्लास में लेने वाला हूं। तो हमने क्या देखा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है ना, इसको हमने कैसे डिफाइन किया था, ए बी सी, ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं ए बी सी के, और इधर लिखा था हमने साइन बीटा कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है ना, साइन बीटा एंड कॉस ऑफ अल्फा, वेयर बीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन बी एंड सी। ठीक है ना, एंगल बिटवीन बी एंड सी, और अल्फा किसके बीच में एंगल है, ए और बी क्रॉस सी के बीच में। ठीक है ना, लेट्स से मैंने बोला दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज बी, दिस इज सी, देन दिस इज व्हाट बी क्रॉस सी, परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, इसके और ए के बीच में ये एंगल को मैंने अल्फा डिफाइन किया था। ठीक है ना, एंड दिस एंगल इज बीटा। तो ओवरऑल ये मेरा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उधर नाम आया हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये तो हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा था कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, जिसकी वो पैरेलल पाइप जिसके लिए ए बी सी आर थ्री को इनिशियल वैक्टर्स। ठीक है ना, उन तीन नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स अगर मैंने पैरेललोपाइड कंस्ट्रक्ट किया, देन व्हाट आई विल गेट इज अ पैरेललोपाइड, और दिस विल रिप्रेजेंट इट्स वॉल्यूम। ठीक है ना, फिर हमने देखा था कि इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स के अंदर ए बी सी। ठीक है ना, बॉक्स के अंदर ए बी सी, और रीड कैसे करते हैं, बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है ना, दैट इज माई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैक्टर्स ए बी सी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो मान लो दो वेक्टर्स हैं मेरे, तीन वेक्टर्स हैं, ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और सिमिलरली वेक्टर बी है मेरे पास बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और सिमिलरली सी वेक्टर है मेरे पास सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। तो इन तीनों का बॉक्स कैसे लिखेंगे हम, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इस टाइप से प्रोसीजर से, ठीक है ना, मतलब पहले हम बी ओ सी का क्रॉस लें, उसके साथ ए का डॉट लें, बट द सिंपलेस्ट वे इज टू राइट इट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। और डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे हम, आई जे के कोफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, दिस इज वॉट माई बॉक्स ए बी सी। ठीक है ना, ये देखा था हमने। फिर इसके बाद हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स एबीसी, और जैसा कि मैंने बोला कि अभी हमने बॉक्स एबीसी को डिटर्मिनेंट में के फॉर्म में लिख लिया, तो वॉट एवर प्रॉपर्टीज जो हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ी थी वही घुमा फिर आके एसटीपी की प्रॉपर्टीज है, जिसमें पहला प्रॉपर्टी क्या था कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये लिखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आई कैन राइट ए क्रॉस बी और डॉट सी। ठीक है ना, दिस वॉज द फर्स्ट वन। सेकेंड हमने क्या बोला था कि अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है तो बॉक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या है, बॉक्स ए बी सी इज सेम एज बॉक्स बी सी ए इज सेम एज बॉक्स सी ए बी। ठीक है ना, ये देखा था। फिर फोर्थ थर्ड हमने देखा था कि अगर मान लो वेक्टर ए को हमने, वेक्टर ए जो है वो किसी लैम्डा से मल्टीप्लाइड स्केलर से, लेट्स से के या लैम्डा जो भी है, तो मैं उसको बॉक्स के बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, दैट इज लेट्स से लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। जस्ट अ सेकेंड, तो ये भी जो हमारा है बेसिकली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, लैम्डा बेसिकली रो वन में मल्टीप्लाइड है, तो लैम्डा वी कैन टेक आउटसाइड। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बॉक्स ए बी सी। फिर हमने फोर्थ देखा था कि हाँ ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने पहला वेक्टर ए प्लस बी लिखा, इधर सी लिखा और इधर डी लिखा, देन वी ब्रेक, वी कैन ब्रेक इट इन टू टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, टू बॉक्सेस, तो ये सी ओ डी तो सेम रहेंगे, सी ओ डी दोनों ही बॉक्सेस में सी ओ डी, और इसको ब्रेक कर देंगे, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इधर ए इधर बी, जस्ट लाइक डिटर्मिनेंट को जैसे हम ब्रेक करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। करेक्ट, ये देखा था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि अगर बॉक्स ए बी सी जीरो है तो उसका क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है। तो पहला इंटरप्रिटेशन कि ए बी सी तीनों में से कोई एक नल वेक्टर हो जाए, या फिर कोई भी दो कोलिनियर हो जाए, और थर्ड ए बी सी अगर कोप्लेनर हो जाए, तो इन दीज थ्री केसेस माई बॉक्स ऑफ ए बी सी विल बी जीरो। उसके बाद फिर अपन ने एक और क्या देखा था हमने कि ए बी सी बॉक्स ए बी सी का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी का मैक्सिमम वैल्यू वगैरह,
ठीक है ना, इसके मैग्नीट्यूड का। तो जैसे मैक्सिमम के लिए क्या होना पड़ेगा, साइन बीटा को भी वन होना पड़ेगा, कॉस अल्फा को वन होना पड़ेगा। साइन बीटा वन मतलब बीटा इज 90, कॉस अल्फा वन मतलब अल्फा इज जीरो, दैट मीन्स ए बी सी आर सॉरी अल्फा इज 90। तो उससे मेरा मैक्सिमम कब आएगा, व्हेन ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये देखा था हमने। और फिर अपन ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देखी थी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। दीज ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर्स, ठीक है ना, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो कि लिखो बॉक्स ऑफ ए बी सी पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ए बी सी इसको और लिख लो एज ए नोट। तो बॉक्स ए बी सी पॉजिटिव कब होगा, तो इसके लिए पहले हम बॉक्स ए बी सी को ओपन करके लिख लेते हैं। हम क्या लिखते हैं बॉक्स ए बी सी को, ए बी सी साइन बीटा कॉस अल्फा। अब मुझे पता है कि जो एंगल बिटवीन बी एंड सी है दैट इज फ्रॉम जीरो टू पाई, तो ये तो तीनों मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव है प्लस साइन बीटा भी पॉजिटिव है, तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स माई कॉस अल्फा इज पॉजिटिव, कॉस अल्फा इज पॉजिटिव, और कॉस अल्फा पॉजिटिव है इसका मतलब अल्फा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, दैट इज 0 टू 90। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये लेट से मेरे बी ओ सी वैक्टर है इन द बोर्ड ऑफ प्लेन, वैक्टर बी एंड वैक्टर सी, दिस इज माई एन कैप का डायरेक्शन मतलब बी क्रॉस सी का डायरेक्शन। अब जो ए वैक्टर है दैट इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ माई एन कैप, दैट मीन्स इट विल लाई समवेयर हेयर, मतलब ये दो बी ओर सी दो वैक्टर ऐसे हैं मेरे, ठीक है ना, और जो मेरा एन कैप है दैट इज दिस वन, दिस इज एन कैप का डायरेक्शन, ठीक है, और मेरा जो ए वैक्टर है दैट इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल, राइट। तो मैंने इधर मान लिया लेट से दिस इज माई वैक्टर ए विच इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल, तो क्या होगा मेरा जो बॉक्स ए बी सी है वो पॉजिटिव आएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या लैंग्वेज फॉर्म में कि ए बी सी आर फॉलोइंग राइट हैंडेड सिस्टम, मतलब बॉक्स ए बी सी जो है पॉजिटिव कब होगा, वेन कॉस अल्फा इज पॉजिटिव, और इसी को हम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ए बी सी फॉर्मिंग राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है ना। यू इसलिए लिखवा दिया क्योंकि इन बुक्स शीट यू विल फाइंड व्हाट इज राइट हैंडेड सिस्टम व्हाट इज लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो राइट हैंडेड सिस्टम के लिए क्या होगा, बेसिकली हमारा बॉक्स ए बी सी पॉजिटिव होगा, और ये कब होगा, व्हेन कॉस अल्फा इज नेगेटिव, दैट मीन्स जो मेरा ए है वो नॉर्मल के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, तो इट इज समवेयर हियर, दिस इज अल्फा, दिस इज माई वैक्टर ए फॉर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, ए बी सी फॉर्मिंग लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, गेटिंग इट। तो ए बी सी हमारा पॉजिटिव होगा बॉक्स ए बी सी तो राइट हैंडेड सिस्टम, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ठीक है। चलो इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और, उसके बाद ये थियरी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। एक छोटा सा पॉइंट और आता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। जैसे कि अभी अपन ने देखा कि जो ए बी सी से अगर हमने ए बी सी अगर हमारे तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और उससे अगर मैंने पैरेललोपाइप कंस्ट्रक्ट किया तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पैरेललोपाइप बॉक्स ए बी सी। उसी तरीके से अगर मेरे पास तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, लेट से मैंने बोला ये रहा मेरा सी, ये रहा मेरा बी, और लेट से मेरा ये वैक्टर है ए, ठीक है ना। सो इन तीन वैक्टर्स से आई कैन कंस्ट्रक्ट अ टेट्राहेड्रन। कैसे, जस्ट तुम इसके जो वर्टाइसेस हैं मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं वेक्टर, सॉरी जो इनिशियल पॉइंट्स हैं हेड है तीनों वेक्टर्स के, उसको ज्वाइन कर दो। तो लेट से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो एक तो मैंने इसको ज्वाइन किया ऐसे, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, द फिगर दैट यू विल गेट इज नथिंग बट टेट्राहेड्रन। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसको भी लिख लो नोट करके, 1/6 ऑफ बॉक्स ए बी सी, ठीक है ना। कैसे आया वो तुम लोग सोचो, बाकी मैं ऐसे बता देता हूँ कि ये जो टेट्राहेड्रन है ना, मतलब दिस इज कंप्लीट अ विजुअलाइजेशन वाला पार्ट, इसमें फिगर बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब जब तुम पैरेललोपाइप को ब्रेक करोगे ना, दैट विल बी ब्रेक डाउन इनटू इस टाइप के 6 टेट्राहेड्रन। देखो दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, कि अगर मैंने उस पैरेललोपाइप को ब्रेक किया ना टुकड़ों में, तो वो एग्जैक्टली इस टाइप के कितने टेट्राहेड्रन बनाएगा, 6 टेट्राहेड्रन बनाएगा। तो वी नो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज बॉक्स ए बी सी, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ बॉक्स ए बी सी, गेटिंग इट। तो दिस मच एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट, बाकी इसका डायग्रामेटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अगर होगा तो मैं व्हाट्सएप पे तो मैं डायग्राम भेज दूंगा, ठीक है ना, फ्रॉम सम बुक, ओके। फॉर टाइम बीइंग यू जस्ट मेमोराइज 1/6 ऑफ बॉक्स ए बी सी, ओके। चलो अब आते हैं हम होम कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो क्वेश्चन लिखो,
एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ए बी ये उसमें आ चुका है हमारा जेई एडवांस में, लिखो इफ ए बी सी फॉलोज राइट हैंडेड सिस्टम, फॉलोज राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है ना, मतलब बॉक्स ए बी सी इज पॉजिटिव। इस लाइन का इतना ही यूज है कि जो हमारा बॉक्स ए बी सी होगा दैट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड आर ऑफ मैग्नीट्यूड टू ईच एंड आर ऑफ मैग्नीट्यूड टू ईच, मतलब तीनों वैक्टर ए बी सी है उनका मैग्नीट्यूड 2, 2, 2 है, ठीक है, एंड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर, एंड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, एंड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ बॉक्स ए बी सी, ठीक है ना, एक तो ये निकालना है, ऑल्सो फाइंड द एंगल दैट द वेक्टर ए मेक्स विद द प्लेन ऑफ, विथ द प्लेन ऑफ बी एंड सी, मतलब बी ओ सी जिस प्लेन में है उसके साथ जो हमारा वेक्टर ए है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना, सो इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसके लिए अगर तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है जो मैंने अभी रिवीजन क्लास अभी जो क्विक रिव्यू कराया था उधर भी लिखवाया था, तो बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो कैसे स्टार्ट करें, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इधर, ये वाला देखो, ए बी सी का बॉक्स का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी को पकड़ा बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर लास्टली सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी, दिस इज वॉट बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दीज 9 क्वांटिटीज, इट इज़ वेरी इजी, तो क्या हो रहा है हमारा ए डॉट ए क्या हो गया मॉड ए का स्क्वायर, एंड बी नो चलो इधर लिख लेते हैं, ए डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट सी इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर विच इज 4, ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर, और मॉड ए मुझे तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 2, तो ये तो हो गया 4। अब हम वो देख लेते हैं बाकी जो दो डिफरेंट वेक्टर्स के जो डॉट प्रोडक्ट दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल ए डॉट बी कितना होगा मॉड ए मॉड बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड वी नो इस क्वेश्चन में क्या बोला है जो तीनों वेक्टर्स हैं उनमें आपस में 60 डिग्री एंगल है, कोई भी दो उठाओ उन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो इधर क्या जाएगा कॉस 60, तो दिस इज 2 × 2 × 1/2, तो दिस विल कैंसिल आउट, यू विल गेट 2, गेट इट, तो सिमिलरली अदर डॉट प्रोडक्ट्स आल्सो यू विल गेट 2 ओनली, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ इसके अंदर व्हाट इज व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस 4 2 2 2 4 2 2 2 4, दिस इज वॉट आई एम गेटिंग इट। नाउ यू कैन जस्ट ओपन इट और जस्ट प्रॉपर्टीज लगा के भी तुम लोग कर सकते हो जैसे तुम्हें करना है, लेट्स से मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो मैं लगा रहा हूँ आर टू में से ट्वाइस ऑफ, नहीं एक काम करते हैं नहीं तो टू पहले कॉमन ले लेते हैं सब जगह से, सो आई विल टेक टू कॉमन फ्रॉम दिस दिस रो एंड दिस रो, तो 2 × 2 = 4 × 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 × 1 = 1, इधर 1 × 2 = 1, इधर 1 × 1 = 2, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, एक काम करते हैं दिस इज इक्वल टू -8, एक एक्स्ट्रा आ गया, फिर 1 × 2 = 1 2 × 1 = 1 और 1 × 1 = 2, फिर मैं इन दोनों को जीरो बना लेता हूँ या इन दोनों को किसी भी तरीके से, ठीक है, तो इसको जीरो बनाया तो आर टू माइनस ट्वाइस आर वन, तो 2 − 2 ये जीरो हो जाएगा, चलिए इधर एक मिनट लिख लेते हैं क्या था हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये 2 है, एक मिनट, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो 1 × 2 = 1 आ गया, इधर 2 × 1 = 1, हाँ ये था, तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको लिख लेना, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ इतने पार्ट को, ठीक है, कॉपी करो, अब मैं लगा रहा हूँ आर टू गोज़ टू आर टू माइनस ट्वाइस आर वन और एक बार आर थ्री गोज़ टू आर थ्री माइनस आर वन, इतना ना करके यू कैन डायरेक्टली ओपन ऑल्सो दैट डिटर्मिनेंट, दैट इज नॉट अ इशू, ठीक है, और बाकी दिख भी रहा है ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है तो वो भी लगा सकते हो, ए बी सी प्लस 2fgh − af² − bg² − ch² ऑल्सो यू कैन डू बिकॉज वी कैन सी दिस इज सिमेट्रिक, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो दिस इज सिमेट्रिक, दैट वे ऑल्सो यू कैन प्रोसीड, ठीक है ना, फास्ट हो जाएगा थोड़ा अगर याद होगा रिजल्ट, तो बाकी हमने ऐसे देख लिया कोई बात नहीं, तो आर वन तो सेम रहेगा 1 × 2 = 1 और आर टू माइनस ट्वाइस तो 2 − 2 ऑफ दिस इज 0, 1 − 4 − 3, 1 − 2 − 1, 1 − 1 = 0, 1 − 2 − 1 = 2 − 1 = 1,
नो इधर माइनस एट बाहर ऑलरेडी है, तो ये गया कॉलम वन के थ्रू ओपन किया, तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री माइनस वन सॉरी माइनस थ्री माइनस फोर, तो माइनस फोर इंटू दिस सो 32 आया, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना, वॉट एवर. तो दिस इज वॉट आई एम गेटिंग इज दिस पार्ट एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर है ये, तो मेरा बॉक्स ए बी सी कितना मिल गया, बॉक्स ए बी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 32 मतलब 4√2 ये मिल गया. अब ये चीज ये वाली लाइन यूज होगी, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो उसमें हर एक सेंटेंस का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना. नाउ यू सी दिस इट विल दिस विल बी यूज्ड टू टू गेट वन फ्रॉम दिस, हमें प्लस माइनस मिला तो हम बोलेंगे सिंस ए बी सी फॉलोज राइट हैंडेड सिस्टम देयरफॉर बॉक्स ए बी सी इज पॉजिटिव हेंस माय बॉक्स ए बी सी इज प्लस 4√2 गेटिंग इट. क्या बोला मैं, हमने एक नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर दिया. ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो मैं रब कर रहा हूँ नीचे सॉल्यूशन वाला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है ना. नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है उसको पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है, उसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं. उसने बोला है कि जो बी ओ सी का प्लेन है और एंगल ए कुछ इंक्लाइंड होगा, जैसे कि हर बार हमने किया है, लेट्स से दिस इज वेक्टर सी दिस इज वेक्टर बी बी ओ सी एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, ठीक है ना. ऑफकोर्स ए बी सी आर नॉट इन द सेम प्लेन, दे आर नॉन को प्लेनर वेक्टर, ठीक है ना. तो मैंने बोला क्योंकि नॉन को प्लेनर क्यों दिख रहा है ना वैसे भी क्लियरली, तो ए बी सी है उसका बॉक्स जीरो तो नहीं आया, इसका मतलब ए बी सी आर नॉन को प्लेनर, ठीक है. तो मैंने बोला लेट्स से ये मेरे ब्लू वाले ये दो पेन बी ओ सी वैक्टर्स हैं एंड लेट्स से दिस इज माई वैक्टर ए. ओके नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा अल्फा होता था वो तो क्या होता था, ए वैक्टर जो एन कैप के साथ एंगल बनाए, ये वाला एंगल, लेट्स से चलो मैं इसको दिस इज माई एन कैप रेड मार्कर, ठीक है. सो दिस इज वॉट माई अल्फा, बट उसने ध्यान से देखो अल्फा नहीं पूछा है, उसने पूछा है एक्चुअली ये जो बी ओ सी का प्लेन है इसके साथ जो ये ब्लैक वेक्टर है मतलब ए वेक्टर है वो एंगल बना रहा है, वो पूछा है बी ओ सी प्लेन के साथ. तो दिस इज बेसिकली 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा नॉट अल्फा, तो अल्टीमेटली मुझे 90 माइनस अल्फा निकालना है, ठीक है. दैट मीन्स कि ये तो मेरा वेक्टर एन कैप हो गया मतलब बी क्रॉस सी का डायरेक्शन, तो मुझे ये एंगल अल्फा होता था बेसिकली, बट मुझे अल्फा नहीं निकालना है, मुझे बी ओ सी का प्लेन के साथ जो ए वेक्टर एंगल बना रहा है ना ये वाला, ये एंगल निकालना है, दैट इज 90 माइनस अल्फा. बिकॉज बहुत से बच्चे गलती करके मतलब आएंगे अगर इसमें उन्होंने जल्दी जल्दी में किया तो वो अल्फा बता देंगे आंसर, बट अल्फा इज नॉट माई आंसर. अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो चार ऑप्शन में अल्फा भी दिया होगा 90 माइनस अल्फा भी दिया होगा, सो बहुत से बच्चे अल्फा लगाएंगे, अल्फा इज रॉन्ग. अल्फा तो वो एंगल है जो ए बना रहा है बी क्रॉस सी के साथ, बट उसने वो थोड़ी पूछा, पूछा एंगल जो ए बना रहा है बी ओ सी के प्लेन के साथ, जिस प्लेन में बी ओ सी है उस प्लेन के साथ एंगल ए जो बना जो एंगल वेक्टर ए जो एंगल बना रहा है वो पूछा है, दैट इज 90 माइनस अल्फा. तो पहले अल्फा निकाल लेते हैं, तो अल्फा कैसे पिक्चर में लेके आए, वी नो बॉक्स ए बी सी, तो बॉक्स ए बी सी का वैल्यू भी पता है मुझे, तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं. तो हमें पता है बॉक्स ए बी सी किसके बराबर होता है, बॉक्स ए बी सी इज मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन बीटा कॉस अल्फा एंड दिस इज गिवन एज 4√2, ठीक है ना. तो मुझे बीटा भी पता है, बीटा इज 60 क्योंकि कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल वी नो इट इज 60 डिग्री, तो मुझे इससे अल्फा मिल जाएगा, अल्फा इज ओनली अननोन. तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो ए बी मॉड ए मॉड बी मॉड सी ये तो हो गया 2 2 2 2 2 2, तो ये 4 ये 4 कैंसिल हो गया एंड साइन 60 चलो लिख लेते हैं रूट 2 इज इक्वल टू 2 इंटू और साइन 60 इज रूट 3/2 एंड दैट इज कॉस अल्फा हियर इट इज, तो ये 2 से 2 गया तो वी आर गेटिंग रूट 2 बाय रूट 3 दिस इज वॉट माई कॉस अल्फा. तो व्हाट आई विल से अल्फा इज वॉट कॉस इनवर्स अंडर रूट बाय अंडर रूट ऑफ 2/3 एक साथ क्लब करके लिख देते हैं, बट दिस इज नॉट माई आंसर, माई आंसर इज 90 माइनस अल्फा. तो मैं फाइनली माई आंसर क्या बोलूँगा, माई आंसर इज 90 माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 2/3 मतलब 90 माइनस अल्फा दिस इज माई आंसर. अब थोड़ा बहुत इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर मैंने तुम्हें बताया भी था वैसे, ठीक है ना, बट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा, एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो उस हिसाब से मैं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सिंपली साइन इनवर्स एक्स दैट इज साइन इनवर्स अंडर रूट 2/3. तो वो ऑप्शन में ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, मल्टीपल चॉइस होगा तो दोनों दे सकता है, ठीक है. तो यू शुड नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ऑल्सो. ओके बाकी दिस थिंग्स वी विल कवर इन
अवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ठीक है ना। थोड़ा बहुत फंक्शन के बाद जो कैलकुलस का आधा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, सॉरी इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद वी विल सी दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी तक मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि उसमें कैलकुलस का यूज होता है, स्पेशली फंक्शन का, ठीक है ना। इसलिए मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी लास्ट में रखा हुआ है, ठीक है। चलो तो आई होप अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन और समझ में भी आया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने बोला आर डी शर्मा सॉल्व करते जाओ जैसे जैसे वेक्टर्स का, ठीक है ना। डोंट डिपेंड ऑन मी कि सर जब होमवर्क देंगे तभी करेंगे, नहीं तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रूव दैट ए क्रॉस बी, पहले खुद से सोचना, ठीक है ना। इट इज सिग्मा आई कैप वैक्टर ए वैक्टर बी बॉक्स जे कैप आई कैप, ठीक है ना, ऐसा लिखा है। पहले तो तुम्हें सिग्मा को ओपन करना है, वो सिग्मा किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, बेसिकली आई के रिस्पेक्ट में आ रहा है। मतलब एक बार ओपन करेंगे, जैसे हम सिग्मा ऑफ ए लिखते हैं तो वो ए बी सी के रिस्पेक्ट में होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली दिस सिग्मा इज विद रिस्पेक्ट टू आई कैप, तो मतलब एक बार आई कैप आएगा, एक बार जे कैप और एक बार के कैप, पोजिशन भी चेंज होगी। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एटलीस्ट मैं इस सिग्मा को ओपन कर देता हूँ, उसके बाद तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। मैं सिग्मा को ओपन कर रहा हूँ, तो दिस सिग्मा कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, आई कैप ए बी आई कैप प्लस, फिर मेरा आएगा ए जे कैप बी जे कैप, फिर आएगा प्लस ए बी के कैप के कैप, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें भी गलती कर सकते हैं, तो मैंने इतना लिख दिया। ना एक बार इसको सोच के देखो, ऐसे सोचो कि ये बॉक्स लिखा क्या है, बॉक्स दिस बॉक्स इज व्हाट, जैसे अगर मैं इस बॉक्स पे केवल फोकस करूँ, दिस इज जैसे बॉक्स ए बी सी क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो अगर मैं केवल इस वाले पार्ट पे फोकस करूँ तो दिस इज समथिंग लाइक आई कैप डॉट ए क्रॉस बी, इस टाइप की चीज़ आ रही है। अब इधर से तुम्हें हिंट मिल सकता है, तो जस्ट थिंक इट वंस, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो, अच्छा है। अगर सोच पा रहे हो मुझसे तो वेल एंड गुड, और नहीं सोच पा रहे हो तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, अब मैं आ रहा हूँ उस पर, ठीक है ना, कैसे करेंगे। तो याद करो अपन ने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तो उधर मैंने एक ऐसी चीज़ लिखवाई थी, लेट से मैंने वेक्टर आर लिखा, चलो ए के फॉर्म में लिखवाया था मैंने, जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप, क्विक रिव्यू कर बता रहा हूँ मैं, उसका यूज़ होगा इधर, ए थ्री जे कैप, लेट से मैंने कोई तो मेरा वेक्टर है ए, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। जो उधर मेरा ए वन क्या होता था, ए वन होता क्या था बेसिकली, ए वन इज वॉट प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए टू इज वॉट प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड सिमिलरली ए थ्री इज वॉट प्रोजेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस, ए का प्रोजेक्शन। तो इसी चीज़ को अब मैंने बोला ए वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वन इज बेसिकली, इसको भी दो तरीके से एक्सप्लेन किया था मैंने, ए वन को मैंने, एक तो मैंने क्या बोला, ए वन इज वॉट ए का प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और मुझे बताया प्रोजेक्शन कैसे निकालते, जैसे मैंने बोला ए का बी के अलॉन्ग, तो ए डॉट बी कैप। तो सिमिलरली ए वन इज वॉट ए का प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वैक्टर क्या होता है, आई कैप, तो क्या हो जाएगा सिंपली ए डॉट आई कैप। सिमिलरली ए टू इज ए डॉट जे कैप, एंड लास्टली ए थ्री इज वॉट ए डॉट के कैप, गेटिंग इट। ए वन ए टू ए थ्री आर माई स्केलर्स, ठीक है ना, गेटिंग इट। तो एक तो ये तरीके से एक्सप्लेन किया था मैंने प्रोजेक्शन से, एक मैंने बोला था मैथड टू, मैथड टू क्या बोला था कि हम क्या करते हैं दोनों साइड आई के साथ डॉट ले लेते हैं, सिमिलरली वील टेक डॉट विथ जे एंड ऑल्सो टेकिंग डॉट विथ के। तो लेट से मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया आई के साथ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप, तो इधर क्या हो जाएगा ए डॉट आई कैप, एल एच एस में ए डॉट आई कैप इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा ए, तो ए डॉट आई कैप लूंगा, आई कैप के साथ डॉट लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा ए वन आई कैप डॉट आई कैप विच इज वन प्लस जे कैप डॉट आई कैप विच इज जीरो, आई डॉट जे जीरो होता है, सिमिलरली के डॉट आई इज अगेन जीरो, तो व्हाट यू आर गेटिंग ए वन इज इक्वल टू ए डॉट आई कैप, जो हमें इधर मिला था वही मैथमेटिकली वी आर गेटिंग लाइक दिस वे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया था उस दिन। तो अब इसके बाद अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं वेक्टर ए को फाइनली आई एम राइटिंग इट लाइक दिस वे, देखना लिख लेना इसको, अगर नहीं लिखा हो तो एक बार और, पीछे लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिखो इसको, ठीक है। तो मैं फाइनली आई एम राइटिंग वेक्टर ए इज इक्वल टू ए डॉट आई कैप टाइम्स वेक्टर आई कैप, मैंने ए वन ए टू ए थ्री को रिप्लेस कर रहा हूँ बस, प्लस ए डॉट जे कैप टाइम इंटू वेक्टर जे कैप प्लस ए डॉट के कैप इंटू के कैप, ठीक है ना। ये मेरा ये दीज टू आर वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग,
ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। अब सोचो मैं क्या करूँ, मतलब हाउ टू गेट दिस थिंग। एक ही लाइन का आंसर है, एक ही लाइन का, ठीक है ना। कैसे, अब मैं क्या करूँ इसके अंदर, ये तो एक जनरलाइज है, मतलब आर एक ही जगह आर हो चाहे कुछ हो, लेट से मैंने आर की आर लिखा तो वॉट आई से आर वैक्टर आर इज इक्वल टू आर डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस आर डॉट जे कैप इंटू वैक्टर जे कैप प्लस आर डॉट के कैप इंटू वैक्टर के कैप, गेटिंग इट। तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जगह आर लिख दिया, कैसे भी लिख दो, वन एंड द सेम थिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक उठा लिया, लेट से मैंने इसको उठाया, इधर मैं रख रहा हूँ वैक्टर आर की जगह ए क्रॉस बी, ये तो जनरलाइज है। अब मैं वेक्टर आर को कुछ भी रखूं, तो मैं वेक्टर आर को ए क्रॉस बी रख रहा हूं दोनों साइड, सो देख इधर मेरा ए क्रॉस बी आ जाएगा, तो आई एम गेटिंग इन द एलएचएस आई एम गेटिंग ए क्रॉस बी, चलो अच्छी बात है, इज इक्वल टू इधर रखते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी डॉट आई कैप ए क्रॉस बी डॉट डॉट विथ आई कैप, फिर बाहर मेरा आई कैप मल्टीप्लाइड है प्लस ए क्रॉस बी डॉट जे कैप, फिर मेरा बाहर जे कैप मल्टीप्लाइड है प्लस ए क्रॉस बी डॉट के कैप और बाहर मेरा के कैप मल्टीप्लाइड है, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज दिस, दिस इज ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये तो क्या होता है बॉक्स ए बी सी ना, जैसे हम मैंने बोला ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वी कैन राइट ए क्रॉस बी डॉट सी ऑल्सो, दिस टू आर सेम थिंग एंड दिस इज नथिंग बॉक्स ए बी सी। तो उसी तरीके से इस वाले पार्ट को मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी तुम देख लेना विज द विज, इसको पहले मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मुझे आई पहले चाहिए ना, तो एक काम करो, नहीं तो इसको डायरेक्टली आई कैन राइट इस ए बी आई बॉक्स, और वी नो कि हम साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं एसटीपी में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम, तो व्हाट आई कैन फर्दर राइट दिस एज, मैं एक रोटेट कर रहा हूँ आई को इधर ला रहा हूँ, एक मतलब इसको पुश कर रहा हूँ, तो आई क्या पुछक के इधर आ जाएगा, फिर ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, दिस इज वॉट वी आर गेटिंग हियर दिस इनटू, और ये आई कैप एज इट इज कॉपी प्लस सिमिलरली दिस ऑल्सो। इसमें मैं क्या करूँगा, अब कैसे भी कर लो, मतलब मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, तो मैंने क्या किया, एक मिनट, जे ए क्रॉस बी डॉट जे ए क्रॉस बी डॉट के, तो ये तो सही है, ये गलत क्यों दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, जे को इधर लाना है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है ना, इसको चेंज कर लेना, दिस इज व्हाट। अब मैंने क्या किया, इसको इधर लिखा, तो ए उधर चला जाएगा, जो है बी जे ए एंड लास्टली दिस इज ए बी के, दिस इज परफेक्ट करेक्ट, ठीक है ना, इधर जे कैप और इधर के कैप, आई होप समझ में आया होगा चीज़ें, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी करते रहना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया, ये हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड दैट इज, लिखो प्रूव दैट बॉक्स ऑफ ए बी सी इनटू पी क्रॉस क्यू वेक्टर दिस इज इक्वल टू पी डॉट ए पी डॉट बी पी डॉट सी क्यू डॉट ए क्यू डॉट बी क्यू डॉट सी एंड हियर इट इज ए बी सी, सिंपल है, जस्ट क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट वाला पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना, वही है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो करो, तुम लोग हिंट तो दे दिया मैंने, तो अब मैं लिख लेता हूँ, तो मैंने ए बी सी को मान लिया ए वन आई कैप बी ए टू जे कैप ए थ्री के कैप और बी को मान लिया वी वन बी टू बी थ्री और सी को सी वन सी टू सी थ्री, तो व्हाट आई विल गेट, इसको मैं कैसे लिखता हूँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ए वन ए टू ए थ्री दिस इज बी वन बी टू बी थ्री एंड दिस इज सी वन सी टू सी थ्री एंड सिमिलरली पी क्रॉस क्यू को मैं कैसे लिखूंगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, याद करो क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, फिर क्या लिखते हैं पी वन पी टू पी थ्री इधर क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, दैट्स इट, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू, तो लेट्स से मैं रो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो व्हाट आई विल गेट इज, देखना पहले इस ये वाली रो इस रो से मल्टीप्लाई होगी, तो व्हाट आई विल गेट ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप दैट इज नथिंग बट माई वैक्टर ए, फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको उठाया मैंने ए डॉट पी, ठीक है चलो करेगा चलेगा,
फिर मैंने बोला ये वाला रो को पकड़े रखा मैं, फिर इस रो से मल्टीप्लाई किया तो ए वन पी वन ए टू पी टू ए थ्री पी थ्री दैट इज नथिंग बट ए डॉट पी. तो मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, दैट्स डिपेंड्स, दैट इज अप टू मी. तो लेट्स से आई एम राइटिंग इट हेयर ए डॉट पी. ए डॉट पी मतलब इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम सेकेंड रो से, फिर ये रो मैंने पकड़ के रखा, फिर इसके थर्ड रो से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट ए डॉट क्यू. नाउ कम्स इसकी बारी, इसका सेकेंड रो, फिर अगेन आई विल मल्टीप्लाई विद ऑल द थ्री रोज ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट. तो बी वन आई बी टू जे बी थ्री के आई विल गेट बी वैक्टर. फिर बी बी वन पी वन बी टू बी टू बी थ्री पी थ्री दैट इज बी डॉट पी. सिमिलरली बी वन क्यू वन बी टू क्यू टू बी थ्री क्यू थ्री दैट इज बी डॉट क्यू. लास्टली सी वन सी टू सी थ्री को इन तीनों रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट हियर वैक्टर सी. इधर मिलेगा सी डॉट पी, इधर मिलेगा सी डॉट क्यू. अब तुम देख लो ये दोनों डिटर्मिनेंट्स बराबर आना चाहिए, इट इज योर ड्यूटी टू मेक इट इक्वल. ठीक है ना, कैसे आएंगे जस्ट यू हैव टू इंटरचेंज एंड दैट, कुछ नहीं करना ज़्यादा खास, बस टर्म्स रो रो और कॉलम्स और इंटरचेंज वगैरह करना है. ठीक है ना, प्रॉपर्टीज लगाना डिटर्मिनेंट की, दो रोज को इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है लाइक दैट वे. ओके, और इसको कंप्लीट कर लेना. अब मैं बढ़ता हूँ आगे. चलो तो लेट्स क्वेश्चन पे मूव करते हैं. चल एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ आई जे के प्लस जे के आई प्लस के जे आई निकालो. दीज आर ऑल यूनिट वैक्टर्स आई जे के. ठीक है ना, कैप लगा देते हैं अपन इसके ऊपर. ठीक है, ऑल दीज आर यूनिट वैक्टर्स. तो इसका वैल्यू मुझे निकालना है. तो ये तो समझ में आ रहा है कि तीनों बॉक्सेस बराबर हैं बिकॉज साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है. इधर लिखा ए बी सी, इधर बी बी सी, इधर सी ए बी. गेटिंग? तो व्हाट आई विल से, दीज थ्री का एडिशन इज नथिंग बट थ्री टाइम्स फर्स्ट. कोई भी एक बॉक्स ले लो, तो मैंने लिख लिया लेट्स से आई जे के. गेटिंग इट? ऑल द थ्री बॉक्सेस आर इक्वल, देयरफॉर आई एम राइटिंग इट इज थ्री टाइम्स फर्स्ट बॉक्स. नाउ माय टारगेट इज टू कैलकुलेट दिस. तो बहुत आसान है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट बोल रहा हूँ. जो एस टी पी देखा ए बी सी का, एस टी पी क्या होता था, ए बी सी साइन बीटा कॉस अल्फा. अब बीटा क्या होता था, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जे और के बीच में. तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 दैट इज वन, तो ये वन हो गया. फिर मैंने बोला कॉस अल्फा क्या होता था, अल्फा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर मतलब आई का एंगल किसके साथ, जे क्रॉस के साथ. और वी नो कि जे क्रॉस के मतलब बी क्रॉस सी उधर हम बोलते थे, तो जे क्रॉस के क्या होगा, आई कैप ही होगा. तो आई कैप का आई कैप के साथ एंगल विच इज जीरो, तो कॉस अल्फा इज अल्फा इज जीरो, तो कॉस अल्फा भी क्या हो गया मेरा वन. एंड वी नो दीज आर मैग्नीट्यूड आई जे के, तो दीज आर ऑल वन. तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग इज बॉक्स ऑफ आई जे के इज वन. तो थ्री इंटू वन व्हाट यू विल गेट, आंसर इज थ्री. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मेंस में आ सकता है, छोटा है लेकिन मेंस में यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन. ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? चलो तो आगे बढ़ते हैं. तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. लिखो, इफ ए बी सी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स, इसको रब कर देता हूं मैं. लेट ए बी सी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स, आर थ्री यूनिट वेक्टर्स, थ्री यूनिट वेक्टर्स एंड और क्या दिया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी इक्वल्स टू जीरो. If angle between, if the angle between B and C is pi by 3, then find value of magnitude of box A, B, C. ठीक है, then find magnitude of A, B, C. मतलब A, B, C का negative positive कुछ भी है, हमें absolute value बताना है, मतलब उसका mod लेते हैं. तो करो, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मॉडरेट है, मतलब अच्छा क्वेश्चन ही है. चलो अब मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे. नाउ इस टाइप की चीज़ मैंने बताई थी तुम्हें, इस टाइप का नोट के मतलब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तब बताया था कि ए डॉट बी जीरो है, मतलब
एंड ऑफ कोर्स दिस आर यूनिट वेक्टर्स, तो नल वेक्टर तो कोई भी नहीं है, तो मतलब ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, सिमिलरली ए इज परपेंडिकुलर टू सी, ए डॉट सी जीरो है इसलिए, तो जो मेरा ए है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी बोथ. अब याद करो ये वाली स्टेटमेंट को मैंने नोट के फॉर्म में लिखवाया था, अगर मान लो मुझे कोई वेक्टर है जो किसी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दोज टू वेक्टर्स. सो फ्रॉम दिस व्हाट मैथमेटिकल इक्वेशन आई कैन डिडक्ट, वेक्टर ए इज इक्वल टू सम स्केलर से लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी, गेटिंग इट, ए अगर बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, उधर भी मैंने स्टार मार्क कराया था. ठीक है चलो अब कैसे प्रोसीड करें, अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. ठीक है तो व्हाट आई विल गेट हियर इज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, सो ए बी सी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स, तो मॉड ऑफ ए इज वन, इधर आ जाएगा मॉड ऑफ लैम्डा एंड मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, तो ये क्या हो जाएगा मॉड बी मॉड सी इंटू मॉड ऑफ साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में एंगल पता है क्या मुझे, हाँ पता है गिवन है पाई बाई थ्री, सो फ्रॉम हियर व्हाट आई विल गेट लैम्डा की वैल्यू, चलो निकाल ही लेते हैं पूरा, तो वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा और इधर से मॉड बी यूनिट वेक्टर है तो वन वन और साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू, तो फाइनली आई एम गेटिंग लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू बाई रूट थ्री, सॉरी टू बाय रूट थ्री, लैम्डा आ गया, चलो अच्छी बात है. अब मुझे निकालना क्या है वो देख लेते हैं, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स ए बी सी का मैग्नीट्यूड, तो बॉक्स ए बी सी इज वॉट, आई कैन राइट इट एज ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी, जो भी लिखना है इट इज बॉक्स ए बी सी ओनली. ठीक है ना, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज. तो अब मैं ए को इधर से उठा के रख दूँ, मैंने क्या माना था ए को लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी, तो ये क्या हो गया लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी डॉट विद बी क्रॉस सी एंड दैट इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी का स्क्वायर, बट लैम्डा पता है बी क्रॉस सी पता है, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ बॉक्स ए बी सी का मैग्नीट्यूड, गेटिंग इट, कंप्लीट कर लेना इसको. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज करो इसको कॉपी करो. चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन अगेन, लेट्स से उसने दिया इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस सॉरी माइनस के कैप, और हमें निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी, सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस. तो एक तरीका तो क्या है देखना, हम शॉर्टर तरीका देखेंगे. ठीक है ना, एक तरीका तो क्या है, तीनों वेक्टर्स दिया है, जस्ट कैलकुलेट दीज थिंग्स ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी, हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट तो आ जाएगा. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक आठ टर्म का बता देता हूँ, ए डॉट ए तो क्या होगा मॉड ए स्क्वायर विच इज थ्री दिख रहा है क्लियरली, फिर ए डॉट बी इन दोनों का डॉट लूंगा तो वन माइनस वन जीरो वन, तो दी विल गेट वन हेयर, ए डॉट सी इन दोनों का लूंगा तो वन टू थ्री माइनस वन टू, लाइक दैट वे यू विल गेट थ्री क्रॉस थ्री डिटरमिनेंट, यू कैन सॉल्व. बट थोड़ा टाइम तो लगा मतलब ये वैल्यूज निकालने के लिए, बट अगर तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है कि हमें पता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था, दिस इज इक्वल टू बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर, तब एक झटके में आ जाएगा तुम्हारा, तब इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे बॉक्स ए बी सी हमें पता है क्या होता है, अगर ए बी सी आई जे के टर्म्स में दे रखा है ऐसे, तो व्हाट इज बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी इज आई जे के कोफिशिएंट वन 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 माइनस वन 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 टू माइनस वन, इसका दिस इज इक्वल टू सॉरी इसका स्क्वायर, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर. ठीक है ना, तो सोचो ऐसे वेरीफाई करना, तो मैं तुम्हारा टास्क है ऐसे निकालना आंसर और एक ऐसे निकालना एंड वेरीफाइड कि विद बोथ द मेथड्स कौन सा लेस टाइम कंज्यूमिंग है और आंसर तो सेम ऑफकोर्स आना ही चाहिए. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करना इसको. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, लिखो नेक्स्ट, फाइंड the value of small a so that the value of the volume of parallelepipede so that the volume of parallelepipede
बाय पॉलीनोम ऑफ द पहले फॉर्म बाय वेक्टर्स फॉर्म बाय वेक्टर्स देखना तीन वेक्टर्स मैं क्या लिख रहा हूँ आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस के कैप कॉमा जे कैप प्लस ए के कैप कॉमा इट इज ए आई कैप प्लस के कैप बिकम्स मिनिमम ठीक है ना. मुझे ए का वैल्यू निकालना है सच दैट इन तीन वेक्टर्स से बनने वाला पैरेलल पाइप का वॉल्यूम मिनिमम हो. तो निकाल लेते हैं वॉल्यूम. तो मुझे क्या चाहिए बेसिकली व्हेन यू विल टेक बॉक्स ऑफ दिस व्हाट यू विल गेट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम किसके टर्म्स में मिलेगा ऑफ कोर्स ए के टर्म्स में. तो एक इक्वेशन मिल जाएगी ए के टर्म्स में उसको मेरे को मिनिमाइज करना है. तो आई विल मेक इट आई विल डिफरेंशिएट इट एंड मेक इट जीरो. करो वीडियो पॉज करके एक बार तुम लोग. अब मैं आ रहा हूँ. तो वॉल्यूम लेट्स से वी दैट इज नथिंग बट इन तीनों वैक्टर्स का बॉक्स दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. तो क्या बनेगा वन ए वन इधर जीरो वन ए इधर ए जीरो वन. तो इसको ओपन कर लेते हैं. तो वन टाइम्स ये गया तो वन ठीक है एक मिनट ये गया वन माइनस जीरो ठीक है तो वन प्लस इसके थ्रू कर रहा हूँ ए टाइम्स तो ये गया तो ए स्क्वायर माइनस वन. तो फाइनली यू गेटिंग ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन. दिस इज वॉट वॉल्यूम सॉरी ए क्यू ए इंटू ए क्यू माइनस ए प्लस वन. सो दिस इज वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ ए. तो अब मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए. तो किसी भी चीज़ का मिनिमम मैक्सिमम चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट करके और जीरो करते हैं. तो व्हाट आई विल डू आई विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू ए बिकॉज ए इज द वेरिएबल. तो डी वी ए विद रिस्पेक्ट टू ए डी ए इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर माइनस वन एंड यू हैव टू मेक इट जीरो. तो ए यू विल गेट इज प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री ठीक है ना. अभी के लिए इतना छोड़ सकते हो. दो वैल्यू क्यों आई एक मैक्सिमा के लिए आएगी एक मिनिमा के लिए बट वो चीज़ हम कैलकुलस में एनालाइज करेंगे. फॉर टाइमिंग यू कैन लीव दैट आंसर हियर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री ठीक है. तो अगेन ए स्मॉल क्वेश्चन फॉर मेंस ठीक है ना. तो इससे तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा भी टेस्ट हो जाएगा और वेक्टर्स भी टेस्ट हो जाएगा कि कितना आता है तुम लोगों को ठीक है ना. सो इट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन फॉर मेंस लेवल ठीक है नॉट फॉर एडवांस फॉर मेंस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट यू प्लस v minus w dot with u minus v का cross v minus w के साथ this is equal to u v cross w ठीक है. तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो. तो एक तरीका तो क्या है कि हम इसको ओपन कर दें सिंपली ब्लाइंडली मतलब कोई ज़्यादा दिमाग खर्च ना करते हुए. तो वैसे बता देता हूँ और एक थोड़ा हम एस सी पी का यूज़ करके बताएंगे ठीक है. तो पहले तो मैं आँख बंद करके तो नहीं मतलब ब्लाइंडली कर लेता हूँ ठीक है. तो मैंने पहले ये तो वेक्टर एज़ इट इज़ कॉपी किया. तो यू प्लस वी माइनस डब्ल्यू ये मैंने एक स्क्वायर के अंदर लिख लिया. चलो स्क्वायर नहीं लगाता नहीं तो तुम्हें लगेगा बॉक्स है. लेट्स से सिंपल ब्रैकेट डॉट विथ पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ ठीक है ना. आई विल ओपन दिस. तो देखो यू क्रॉस वी यू डब्ल्यू तो माइनस यू क्रॉस डब्ल्यू यहाँ तक ठीक है. फिर माइनस वी क्रॉस वी जीरो हो जाएगा. फिर प्लस वी क्रॉस डब्ल्यू यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए. नाउ दिस इस यू को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो इस वी को इन तीनों से इस डब्ल्यू को इन तीनों से करते हैं. चलो तो लेट्स से मैंने यू को पहले किया इन तीनों से. तो यू का इसके साथ तो ये क्या जाएगा यू डॉट यू क्रॉस वी एंड यू डॉट यू क्रॉस वी क्या होगा बॉक्स ऑफ यू यू वी दैट इज जीरो. मैंने बोला यू डॉट लिख लेते चलो यू डॉट यू क्रॉस वी फिर यू का इसके साथ तो माइनस यू डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू और फिर प्लस यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू. दिस इज वॉट द थ्री टर्म्स व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू डॉट विद ऑल दिस. तो देखो ये वाला टर्म और ये टर्म जीरो है बिकॉज इधर ये बॉक्स लिखा है ना बेसिकली तीन वैक्टर्स का यू यू वी दिस इज यू यू डब्ल्यू एंड वी नो इन बॉक्स इफ एनी टू वैक्टर्स इज सेम या फिर कोलिनियर देन द बॉक्स इज जीरो. तो दिस टू आर जीरो तो यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आर लेफ्ट आउट विद दिस थिंग. सिमिलरली लेट्स से मैं वी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. तो वी डॉट यू क्रॉस वी माइनस वी डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी क्रॉस डब्ल्यू. नाउ अगेन वी वी डब्ल्यू दो वैक्टर सेम होगा ये डॉट है सॉरी जीरो हो गया बॉक्स. सिमिलरली इधर भी यू यू सॉरी एक मिनट वी का यू वी दिस इज वी ना. तो अगेन दो बॉक्स दो वैक्टर सेम होगा ये भी जीरो हो गया. सो दिस टू आर जीरो अगेन आई विल मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू विद दिस. तो माइनस डब्ल्यू डॉट विथ यू क्रॉस वी प्लस डब्ल्यू डॉट विथ
u cross w and minus w dot with v cross w. Again ये जीरो और ये जीरो बिकॉज दो वैक्टर सेम हो गए बॉक्स के अंदर. सो यू आर लेफ्ट आउट विथ थ्री वैक्टर्स. चलो लिख लेते हैं एक बार. तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ u v w को बॉक्स के अंदर, u v w ऐसे लगा देते v को. ये हो गया माइनस बॉक्स v u w और ये हो गया ये वाला माइनस बॉक्स w u v. अब देखो क्या हो रहा है u v w. तो ये वाला मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. देख लो साइक्लिक ऑर्डर v u w तो v w u v. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. यू जस्ट सी ये दोनों का साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं है, एक चेंज का है. जैसे मान लो मैंने u को फिक्स किया ना, ये u फिक्स है बीच में, दोनों में बीच में u फिक्स है, v और w दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है. या फिर ऐसे बोलो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से दो रो को इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव साइन आता है. तो दीज टू विल कैंसिल आउट ईच अदर, यू विल बी लेफ्ट आउट विद दिस थिंग u v w. ये तो हो गया प्रोसीजरल तरीका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना. बट अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे जो मैंने तुम्हें कल एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताया था, ठीक है उसके. तो अपन ने क्या था पहले वो देख लेते हैं एक बार, क्या था हमारा नोट कल का. कि अगर मान लो ऐसे दिया है अल्फा वन ए प्लस अल्फा टू बी प्लस अल्फा थ्री सी, सिमिलरली बीटा वन ए बीटा टू बी बीटा थ्री सी, और लेट्स से ये वेक्टर है ए बी और सी, गामा वन ए गामा टू बी गामा थ्री सी, ठीक है ना. तो मैंने क्या बताया था बॉक्स ऑफ ए बी सी, ए बी सी क्या होता था, एक डिटरमिनेंट लिखते थे कोफिशिएंट वाला अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, गामा वन गामा टू गामा थ्री, और इधर लिखते थे बॉक्स ऑफ ए बी सी. याद आया कल कुछ लिखवाया था ऐसा. तो सेम थिंग यू कैन डू विथ दिस ऑल्सो. तो क्या लिखोगे तुम, जस्ट अ सेकेंड, क्या करोगे तुम, जस्ट अल्फा. अब जैसे ऐसे बोल दो कि वेक्टर ए की जगह तो मेरा यू, B की जगह V और C की जगह W लिखा है, तो इधर तो मेरा आ जाएगा बॉक्स ऑफ U V W. अब डिटरमिनेंट में क्या आएगा देखो, पहले अल्फा क्या था बेसिकली U का कोफिशिएंट, तो पहले वेक्टर में क्या आएगा वन वन माइनस वन 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 माइनस वन. फिर दूसरा वेक्टर जो है मेरा, बिकॉज ये क्या लिखा है बेसिकली, इफ यू क्लियरली सी दिस इज बॉक्स ऑफ तीन वैक्टर्स, ये वैक्टर एंड ये वैक्टर, गेटिंग इट. मतलब बॉक्स ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, वही चीज़ बता रहा हूँ मैं. तो अब ये हो जाएगा यू वी डब्ल्यू का कोफिशिएंट, इधर क्या होगा वन माइनस वन जीरो, यू वी डब्ल्यू का कोफिशिएंट तो यू का जीरो वी का वन माइनस वन. सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस डिटरमिनेंट यू हैज टू गेट व्हाट, बिकॉज दिस इज यू वी डब्ल्यू, तो इसका मतलब ये वन आना चाहिए. देख लेते हैं एक बार वन आ रहा है या नहीं, या कुछ कैलकुलेशन तो नहीं है मिस्टेक. तो लेट से पहले मैं इसको इसमें से घटा देता हूँ आर टू माइनस आर वन, तो दिस इज जीरो. तो चलो एक कम करते अलग से लिख लेते हैं. तो वन वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, जीरो माइनस वन इज प्लस वन, तो जीरो वन माइनस वन. और इधर मेरा लिखा है बॉक्स यू वी डब्ल्यू, ठीक है. नाउ यू सी इससे ओपन किया तो ये गया ये गया, यू आर लेफ्ट आउट विथ टू माइनस वन विच इज़ वन, तो वन इंटू बॉक्स यू वी डब्ल्यू. तो दिस इज ऑफकोर्स अ बेटर मेथड एज कम्पेयर टू जो हमने ओपन किया था इससे पहले, बिल्कुल ब्लैंक ओपन कर दिया था उस टाइम, तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है. आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी. चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लेना इसको. आज हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, ठीक है ना, फील आ जाना चाहिए तुम्हें इस बॉक्स प्रोडक्ट की, ठीक है ना, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर वेक्टर सच दैट, इफ ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट, ये लिख लेना तुम लाइन, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फिर फाइंड बॉक्स ऑफ ए बी ए क्रॉस बी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो क्लियरली दिख रहा है ये तो बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना. हमें पता है ये तो तीन इन तीनों वैक्टर का वो लिखा है, क्या नाम है अपना बॉक्स प्रोडक्ट ए बी और ए क्रॉस बी का, तो दैट इज नथिंग बट हम कैसे लिखते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी को, कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी, वन एंड द सेम थिंग, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज. तो पहले मैं क्या करूँ इन दोनों को क्रॉस लिख रहा हूँ, तो ए क्रॉस बी डॉट विथ थर्ड वेक्टर दैट इज ए क्रॉस बी, एंड दिस इज नथिंग बट ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर, तो दिस इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज टू, तो दिस इज फोर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें. चलो आगे बढ़ते हैं.
देखो नेक्स्ट, फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेलल पाइप. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेलल पाइप. फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेलल पाइप हूज थ्री क्वार्टर मैंने एजेस आर, हूज थ्री को टर्मिनस मतलब को इनिशियल को टर्मिनस एजेस आर वेक्टर्स, आर वेक्टर्स वेक्टर्स लिख लो. वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप. वेक्टर बी इज टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस के कैप. एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू I cap plus J cap plus 3 K cap. ठीक है, with with A vector, A ये भी important है, with vector A and vector B as the sides of the base of parallelepiped. देखो last line का मतलब insignificant होता जब जब ये तीनों vectors जो हमारा पैरेलल पाइप बनता है ना वो मतलब अपना रेगुलर बनता है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. सिंस ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ डेफिनेटली फर्क पड़ेगा कि हाइट हम कौन सी साइड से मेजर कर रहे हैं. इसने क्या बोला, टेकिंग बी एंड सी एज अ बेस, जिस प्लेन में बी और सी आ रहे हैं उसको बेस मानते हुए तब जो हाइट होगा दैट विल बी माई आंसर. ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट दिस. तो देखो मैं पैरेलल पाइप बना देता हूँ पहले. लेट्स सी, दिस इज, दीज आर टू माई वेक्टर्स. ठीक है ना, उससे मैंने पैरेललोग्राम बनाया. तीसरा वेक्टर जो है मैंने इनके वर्टाइसेस पे रखा. तो लेट्स से दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर. ठीक है, अब मैं इनके एजेस को ज्वाइन कर देता हूँ. लेट्स से डिफरेंट कलर, ये गया ये गया ये गया और ये गया. ठीक है, सो दिस इज माय पैरेललोपाइप. व्हाट ही टोल्ड, ही टोल्ड कि जो बेस लेना है, लेट्स से दिस इज माय बेस, तो ये तो बी और सी वेक्टर लेने हैं. लेट्स से दिस इज बी, दिस इज सी. ठीक है, और जो तो फिर उसके हिसाब से मुझे हाइट निकालना है. तो एक्चुअली आई हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग. तो मुझे पता है पैरेललोपाइप का वॉल्यूम क्या होता है. देखो देखो सिंपल तरीका, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. नाउ इसमें हमें ये क्वांटिटी निकालनी है, तो हाइट को मैं कैसे लिख सकता हूं. हाइट is equal to volume of parallelepiped upon area of base. अब इसके बाद मैं तुम्हें टास्क दूंगा कंप्लीट करने का, आई विल टेल यू हाउ टू प्रोसीड. अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप तीन वेक्टर्स दिए, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली बॉक्स ऑफ ए बी सी, तीन वेक्टर्स का बॉक्स जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, चलो यूज कर लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. और एरिया ऑफ बेस क्या होगा, अगर दो वेक्टर्स मेरे बेस वाले बी और सी हैं, तो एरिया ऑफ बेस हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था दैट इज बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड. सो दिस इज बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ कैसे लिखेंगे. तो बॉक्स ए बी सी डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई जे के का कोएफिशिएंट 1 1 1 2 4 माइनस 1 एंड दिस इज 1 1 3 ये डिटर्मिनेंट अपॉन बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड एंड बी क्रॉस सी इज आई जे के और बी और सी के कोएफिशिएंट्स. तो 2 4 माइनस 1 1 1 So this is your, these two determinants you have to calculate and you have to divide. Okay, of course, ये determinant क्या है, basically magnitude. चलो ये तो मैंने अभी determinant लिखा है नीचे, vector है. अभी जो at present लिखा है इस equation में वो जो denominator में लिखा है that is a vector. So I have to take mod also. So I'll put here mod. जो vector आएगा उसका magnitude लेना है denominator में, ठीक है ना. Magnitude of B cross C is what? Area of parallelogram formed by B and C as adjacent sides. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Copy कर लेना इसको, ठीक है. Next, लिखो if A, B, C are three mutually perpendicular vectors, if vector A, vector B, vector C are mutually perpendicular vectors, ठीक है, unit नहीं दिया, simply vectors दे रखे, and vector A is equal to alpha times A cross B plus beta times B cross C
प्लस गामा टाइम्स सी क्रॉस ए, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा आर सम स्केलर्स एंड बॉक्स ए बी सी इज वन गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वीडियो पॉज करो, एक बार इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। तो क्या करें, मुझे निकालना है अल्फा। अच्छा, बॉक्स एबीसी इज इक्वल टू वन दिया है, तो बॉक्स एबीसी कैसे जनरेट होगा? लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी मेरी कि हमारा बॉक्स एबीसी जनरेट हो जाए। तो देखो, अब मैंने इस टाइप के क्वेश्चन, वैसे अभी आएंगे, अभी हम एक और लेक्चर आएगा हमारा इसके, मतलब कल के बाद दो लेक्चर और बचे हैं अपने वेक्टर्स के। तो लास्ट लेक्चर में क्या होगा, हम देखेंगे वेक्टर इक्वेशंस, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, कोई इक्वेशन दी होती है, उसके साथ हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन का डॉट या क्रॉस लेते हैं किसी वेक्टर के साथ। तो वही चीज, ठीक है ना, अभी हो सकता है स्ट्राइक ना भी करे, तब उसको पढ़ने के बाद 100% स्ट्राइक करेगा। क्या करें हम, मैं ले रहा हूं इस इक्वेशन का डॉट विद वेक्टर ए, ए के साथ डॉट ले ले लें, ठीक है ना, फिर बी के साथ ले लूंगा, फिर सी के साथ ले लूंगा। अभी समझेगा क्यों ले रहा हूं, मैंने ए के साथ डॉट लिया तो इधर आएगा ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का इसके साथ डॉट। नाउ यू कैन सी ए क्रॉस बी जो है वो ए के परपेंडिकुलर, तो ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो। या फिर ऐसे बोल दो, ए डॉट ए क्रॉस बी इज बॉक्स ऑफ ए ए बी, और बॉक्स ऑफ ए ए बी क्या होगा, जीरो। टू वेक्टर सेम आ गए बॉक्स के अंदर, तो दिस इज जीरो। प्लस इधर क्या बनेगा, बीटा टाइम्स ए डॉट बी क्रॉस सी, दैट इज बॉक्स ए बी सी, अच्छी बात है। इसके इधर क्या बनेगा, अगेन ए सी ए, दो वेक्टर सेम हो गए तो अगेन यू विल गेट जीरो। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट यू आर गेटिंग, बीटा इज इक्वल टू, एंड वी नो बॉक्स ए बी सी गिवन इट इज वन, तो फाइनली वी आर गेटिंग बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। गेटिंग इट, समझ में आया, हमने डॉट लिया ए के साथ। सिमिलरली नाउ आई विल टेक डॉट विद बी, डॉट विद बी लूंगा तो इधर क्या आएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी के साथ डॉट लिया तो अगेन बी डॉट ए क्रॉस बी, अगेन जीरो। बॉक्स के अंदर दो वेक्टर सेम आ गए तो इट इज जीरो। प्लस अगेन बी डॉट बी क्रॉस सी, अगेन जीरो, दो वेक्टर सेम आ गए बॉक्स के अंदर जीरो। प्लस गामा टाइम्स ये क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ बी सी ए, बी सी ए एंड दिस इज वन, और ए डॉट बी क्या होगा, देखो पढ़ो ऊपर इक्वेशन में क्या दे रखा है, ऑल दी थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो दिस इज जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू व्हाट यू लेफ्ट आउट दैट साइड इज गामा, तो गामा की वैल्यू जीरो आ गई। फर्दर आई विल टेक डॉट प्रोडक्ट विथ सी, तो सी के साथ डॉट ले देता हूँ, ए डॉट सी अगेन यू विल गेट जीरो बिकॉज ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहले चेस्ट में क्या बनेगा, ए डॉट सी जीरो, सी के साथ डॉट लेंगे इसका तो ये बनेगा अल्फा टाइम्स बॉक्स ए बी सी। प्लस तो सी के साथ डॉट लूंगा इसका तो अगेन इट विल बी जीरो बिकॉज बॉक्स के अंदर दो प्रोडक्ट, दो वैक्टर सेम आ गए तो जीरो। प्लस फिर इसका सी के साथ डॉट अगेन जीरो, दो वैक्टर सेम आ गए तो जीरो। सो फ्रॉम हियर यू गेट अल्फा इक्वल्स टू जीरो, तो अल्फा जीरो आया, गामा जीरो आया, बीटा ये आया, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो वी कैन आंसर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने सारे न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है ना, फुल्ली ऑन एक्सटीपी। वैसे मेरा टारगेट था आज का, थोड़ा सा मैं तुमको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और बता दूं, बट सोच रहा हूँ एक कल की क्लास में एक साथ लूँगा वो और उसके न्यूमेरिकल। तो आज के लिए हम लोग यहीं एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, कल मिलेंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ। ओके, थैंक यू।